ये बात जो फैक्ट है ये एक अनटोल्ड एक ये सर्कमटेंसेस है फॉर आपका जो नारी लोग के लिए लाइक इस पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि स्कूल एंड कॉलेज गोइंग चिल्ड्रेन के लिए तो सच का ये है और ओमेन जो डोमेस्टिक ओमेन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल एंड कॉलेज गोइंग चिल्ड्रेन तो कॉलेज का अटेंडेंस में इफेक्ट पड़ जाता है अगर एब्सेंट होता है तो ये बात तो ठीक है लेकिन यहाँ में जो है कि आपने बताया गया कि केरला और बिहार में ये इम्प्लीमेंट है यहाँ में ओमिन कमीशन लोग किस लिए है ये लोग एक कुछ जस्टिफाइड करके गवर्नमेंट को प्लेस करना चाहिए जो मिनिस्ट्रियल का बात बोलने से तो हम लोग डोमेस्टिक में तो हम लोग निसी में तो जिसका मेंस होता है वो घर से किचन से दूर में सोना पड़ता है और वो सामने में नहीं है माने एक बिलीफ ये रहता है और यहाँ में मेंस का बात बोले तो कोई तो आजकल हम लोग लोकल में तो लोकल गांव में जहाँ में कोई इलाज नहीं है इलाज मतलब सेफ्टी मेजर नहीं है वो लोग तो देखा देखी ब्लीडिंग पूरा पता चलता है कि ये मेंस है और औरत भी शर्म होके बाहर नहीं निकलता है लेकिन आजकल जमाना में उसका प्रिवेंटिव तो कुछ अदर प्रिवेंटिव बनाया गया है आई थिंक जिसका कारण वो सेफ में चल सकता है और मेंस भी इस प्रकार है कि दो प्रकार का है उसमें एक जो है कि कोई कोई तो एक सप्ताह लगता है कोई तीन दिन लगता है कोई हैवी ब्लीडिंग एंड लो ब्लीडिंग तो उसको तो ओमिन लोग की ज़्यादा जानकारी कर पाएगा और हम लोग इसी मिली में ये तो हम लोग बोलने में तो ये एक थोड़ा एक लेटरा चीज़ है यार इसी मिली होली जगह में इसको नहीं बोला जाना चाहिए ये एक होली प्लेस है उसको तो तभी भी एक समाज का एक इशू तो है इसको हम निगलेक्ट ये क्यों होता है नहीं बोलता नहीं बोला है हम सपोर्ट करता है लेकिन उसमें टेक्निकली किस टाइप से इलाज होना चाहिए किस टाइप से इसका लीव ग्रांट दिया जाए लेट ओमिन कमीशन प्रिपेयर ए जस्टिफाइड रिपोर्ट उसका डॉक्टर का टेक्निकल का रिपोर्ट का हिसाब में उसमें क्या इलाज का प्रोविजन गवर्नमेंट से देना चाहिए कॉलेज गोइंग एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन लोग को और इसी टाइप का ओमिन लोग को ही किया जाने से ठीक है ये मेरा सुझाव है थैंक यू।